हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ। कोरोना की वजह से पूरा मुंबई, पूरा देश परेशान है, तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये कोरोना का कहर जल्द से जल्द हम सब लोगों के बीच से निकल जाए और हम सब पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू करें। तो आज मैंने एक ऐसी खीर बनाया है जिसमें मैंने जो जो इन्ग्रीडियंट्स डाला है उससे इंशाल्लाह ताला हमारे अंदर की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बिल्डअप होगी। तो मैंने मखाने की खीर बनाया है, उसमें ड्राई फ्रूट और गुड़ डाला है। गुड़ भी बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, जरूर देखिए। आइए मेरे साथ देखते हैं। तो ये पैन हमारा गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ घी। ये देसी घी है, आप कोई भी घी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से मखाने, तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। कुरकुरे और बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये फ्राई हो गया, इसको मैं निकाल लूंगी। थोड़ा तेल घी डाल रही हूँ मैं, देसी घी है ये, आप कोई भी घी डाल सकते हैं। और अभी मैं ड्राई फ्रूट को फ्राई कर रही हूँ। पहले जो घी डाला था वो मखाने के अंदर पूरा सूख गया था, तभी मैंने दूसरा घी डाला है और मैं इसको भी फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई करने से बहुत ही अच्छा खुशबू आता है, बहुत ही सोंधी सोंधी, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे अगर आप नहीं भी फ्राई करेंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, वैसे भी हो जाता है। ड्राई फ्रूट को नहीं फ्राई करेंगे तो चलेगा, मगर मखाने को तो फ्राई करना मस्ट है। तो ये देखिए, मखाने को मैंने इस तरह थोड़ा मोटा मोटा दरदरा इसको पीस लिया है मैंने, और अभी अब मैं खीर बनाना शुरू करती हूँ। और ये आधा लीटर दूध है, अभी मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। इसको अच्छे से पका लेना है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, दूध बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है, उबल रहा है। और ये साइड में जो भी मलाई इसके जम रही है इसको निकालते जाने का बीच बीच में। और मैं इसमें अभी डाल रही हूँ ये मखाने जो मैंने पीस कर रखा है। उससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ एक इलायची, मैंने कूट कर डाली हूँ। ये इलायची छिलके के साथ में डाल दे रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको जार में पीस लिया है मखाने को, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा गाढ़ा होने तक मैं इसको पकाऊंगी अभी। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया सी खीर बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दूध पूरा अच्छी तरह से पक पक कर बहुत ही थोड़ा सा बचा है। और ये साइड में देखिए, पता चल रहा होगा आपको, यहाँ तक दूध था, ये पक के यहाँ तक आ गया है और खीर भी गाढ़ी हो गई है। और यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है, उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच गुड़, और जो मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई किया था वो भी उसके साथ में डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गुड़ डालने से इसका एक बेनिफिट ये है कि इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। अगर गुड़ नहीं डालेंगे, शक्कर डालेंगे, तो बहुत सारे लोग फिर इसमें सैफरन डालते हैं इसमें, तो उससे उसका कलर चेंज करते हैं, या फिर फूड कलर डालते हैं। इसमें कोई चीज डालने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, कितनी प्यारी गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बनकर तैयार हो गई है। बस अब इसको ठंडा करते हैं, और अगर ठंडा नहीं करना है, किसी को गर्म खाना है तो भी खा सकते हैं गर्मा गर्म। तो बस मैं आपको सर्व करती हूँ। तो देखिए, हमारा ये इम्यूनिटी बूस्टर टेस्टी वाला खीर बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही यमी यमी सा है। मखाना भी बहुत ही फायदेमंद होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, गुड़ से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। ड्राई फ्रूट्स आप तो पता ही है, आप सबों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही बेनिफिशियल है उससे। ये खीर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसको बड़े और बच्चे दोनों ही खा सकते हैं। हम सबकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, पावर देगा, तो ज़रूर ज़रूर से सब लोग बनाकर खाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।